आप देख रहे हैं BHBC News। नमस्कार, स्वागत है आपका। आरक्षण के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को धरने पर बैठने का ऐलान किया। वहीं इस पर बात करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज मैं धरने पर बैठा हूं और नीतीश कुमार को ये बताना चाहिए कि नवी अनुसूची में आरक्षण को क्यों नहीं केंद्र सरकार डाल रही है। यही कारण है कि आज हम लोगों ने धरने पर बैठने का कार्यक्रम बनाया है। जब विशेष राज्य का दर्जा केंद्र ने कह दिया कि हम नहीं देंगे तो JDU के लोग ताली बजा रहे थे। पूछिए उनसे कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि इसी 17 महीने में हमने जातीय गणना कराई, इसी 17 महीने में हमने आरक्षण का दायरा बढ़ाया और इसी 17 महीने में हमने 5 लाख लोगों को नौकरी का वादा किया था और 3 लाख लोगों को दिया। हमने IIT पॉलिसी बनाई, हमने खेल नीति बनाई। आगे उन्होंने कहा कि JDU के लोगों को चैलेंज करता हूँ, पूछिए उनसे विशेष राज्य के दर्जे पर क्यों नहीं उनकी जुबान खुल रही है। आरक्षण बढ़ाने का मामला आप ही लोग करवाइए, केंद्र में आप पूरी तरह से पावर में हैं और विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिलवाइए। आप पावर में हैं, दिलवाइए। वहीं JDU के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से KC त्यागी के इस्तीफे पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि क्या कीजिएगा, सभी लोगों को पद चाहिए लेकिन पद सीमित है, पद जितना रहेगा उतना ही दिया जा सकेगा। निश्चित तौर पर लोगों को पद की लालसा रहती है, सभी लोग तो MLA MP बन नहीं सकते। बता दें कि KC त्यागी ने JDU के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से रविवार को इस्तीफा दे दिया है। अभी उनके पास पार्टी के मुख्य सलाहकार का पद बना हुआ है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।